क्योंकि लंबा बहुत है ट्रैक का, तो हम उटीरा के एरिया से गुजर रहे हैं। पुल है जो चल रहा है अभी, उस पर रोड से हम आए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है, इस साइड का व्यू तो खूबसूरत है ही। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम फिर से आपको गुड मॉर्निंग करते हैं। और हम निकल चुके हैं ग्रे माउस से और माउंट कुक की, और हमारा जो सफर है 6 घंटे 10 मिनट का भी बता रहा है, तो 8-9 घंटे हमको लगने वाले हैं। आज का सफर लंबा है, लेकिन वन ऑफ द एडवेंचरस जो सफर होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा रास्ते में दिखने वाला है, और हम आपको भी दिखाने वाले हैं रास्ता कितना खूबसूरत है। पहाड़ दिखेंगे, बर्फ दिखेगी, बच्चे पीछे बैठ चुके हैं, सर्दी बहुत है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। और ये देखिए जैस भी बैठी हुई है, कुछ खा रही है, सीक्रेट वाला वो हम बताएंगे नहीं क्या सीक्रेट खा रही है। आज हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो ग्रेट अल्पाइन हाईवे है, जो न्यूजीलैंड का दक्षिणी टापू में, वो कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एडवेंचरस, खतरनाक और पर न्यूजीलैंड का सबसे सुंदर हाईवे कहा जाता है। ये आया है जी कोई कुमारा करके थोड़ा सा एरिया आया है, मेरे को लगा कि शायद मेरा नाम ही आ गया, क्योंकि मेरा नाम राजीव कुमार है, तो मुझे को लगा कि मेरा नाम ही आ गया, लेकिन बाद में देखा कि एम के पीछे ए भी है, तो कुमारा जो है छोटा सा पहला ग्रे माउस के बाद जो टाउनशिप आई है। आपको हाउसिंग वगैरह दिखाई दे रही होगी, वो एक मोटर होम भी खड़ा है, ये शायद हॉलीडे पार्क है, और यहाँ पे जनरल स्टोर भी है, अगर कुछ खरीदना है, कॉफी खरीदनी है, तो सामान आपको कुमारा में सब मिल जाएगा। ये मसाला, अरे वाह, मसाला तो इंडियन नाम है होता है, तो शायद किसी इंडियन की शॉप होगी। मसाला चिमनी से निकल रहा है धुआं, इनको लग रही है ठंड, और ये कर रहे हैं एंजॉय आग के आगे बैठ के, पक्का ये आज काम पे नहीं गए होंगे। सामने देखिए कितना सुंदर ये व्यू शुरू हो चुका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बिल्कुल हमारे सामने हैं। इन पहाड़ों को क्रॉस करके हमें इन पहाड़ों के पार जाना है, तो देखिए कितना सुंदर है व्यू यहाँ से। तो हम बढ़ रहे हैं जी न्यूजीलैंड के सबसे सुंदर पास आर्थर पास की तरफ, जो यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, और खूबसूरती देख लीजिए। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर येलो जो फूल खिले हुए हैं दोनों, और जो पहाड़ हम दूर से दिखाई दे रहे थे उन पहाड़ों के बीच में हम आ चुके हैं। दोनों तरफ बहुत ही सुंदर खिले हुए येलो फूल, ऐसा लग रहा है कि हम फूलों की किसी सुंदर सी घाटी में ड्राइव कर रहे हैं। मजा आ रहा है ड्राइव करने का। मौसम और लैंडस्केप, साउथ आइलैंड में लैंडस्केप जो है ना कुछ कुछ किलोमीटर के बाद ही बदलती रहती है, कभी प्लेन आ गया, कभी बर्फ वाले पहाड़ आ गए, और कभी हरे हरे पहाड़ आ गए, और वेस्ट कोस्ट जिसे हम अलविदा कह के आए हैं उस तरफ तो जो वाइल्ड समुंदर था, बहुत तेज लहरें थी, आपने देखी होंगी, और दूसरी तरफ थे पहाड़, बर्फ के दर्शन हो गए हैं। बर्फ इतने करीब से हमने जब से साउथ आइलैंड आए हैं पहली बार देखी है। क्या व्यू है जी सामने का, आज सुबह की पहली धूप हमको लगी है, गाड़ी तक आ रही है धूप, और सूरज देवता के भी दर्शन हुए हैं, बहुत ही सुंदर आ गया भाई एरिया ये तो। तो यहाँ पे एक बोर्ड आया था पीछे, उस पे लिखा था कि नेशनल पार्क आर्थर पास, तो आर्थर पास का नेशनल पार्क है जो शुरू हो चुका है। आगे चल के एक उटीरा नाम का जो लुकआउट आता है वहां पे चलते हैं, वहां पे जो है किया पंछी कभी कभी दिखाई दे जाते हैं, उस व्यू तो वहां से कहना ही क्या, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो जैसे ही वो आता है वहां पे आपको स्टॉप लेकर दिखाएंगे वहां के व्यू। तो रेलवे ट्रैक भी साथ साथ में चल रहा है, वो देखिए आपको अब दिखाई देगा, वो देखिए सामने रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पे रेल भी जो सीनिक रेलवे है ना वो चलती है, क्योंकि काफी सुंदर सा एरिया है, तो शायद ग्रे माल से क्राइस्ट चर्च के लिए साइड जाती होगी। तो टीरा का एरिया शुरू हो गया है, यहाँ पे एक कैफे है, वो छत पे लिखा हुआ है सामने जो बिल्डिंग जहाँ से ये धुआं निकल रहा है, ये आ गया जी यहाँ का कैफे। थोड़ा से शॉप्स वगैरह हैं, आपको फ्रूट वगैरह चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा उटीरा में। अगर अच्छे लग रहे हैं बाहर के व्यू तो फिर कर दो यार लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए कितना सुंदर सा ब्रिज आ गया है, ट्रक देखिए पूरा पूरा ही है,
इधर उधर हो गया तो साथ में लग जाएगा। तो लेकिन ये काफी एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर होते हैं, अब हमें वो दे रहा है रास्ता, तो हम निकल जाते हैं। हम होपफुली निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए, क्योंकि लंबा बहुत है ट्रक का। तो फाइनली हमने ट्रक को क्रॉस कर लिया है, तो अच्छी बात है कि हमें इन्होंने जाने दिया है, और अब हम थोड़ा सा फास्ट चला सकते हैं। फास्ट क्यों चलाना, क्योंकि यहाँ के व्यू इतने सुंदर हैं, फास्ट चलाने को मन नहीं करता। कैसा लग रहा है ये एरिया दोस्तों? सामने आपको बादल तो दिखाई दे ही रहे होंगे, और ग्रीनरी, और जो रोड पे आप येलो लाइन पे कंसंट्रेट करें, ये कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बना रही है ना। तो हम उटीरा के एरिया से गुजर रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड का बहुत ही सीनिक ड्राइव है। लोग दूर दूर से, दूर बड़े बड़े देशों से यहाँ पर घूमने आते हैं, इस रूट को देखने आते हैं, और हम आपको घर बैठे बैठे दिखा रहे हैं। सीनिक लुकआउट है, हमें जाना है वियाडक्ट लुकआउट, जो कि 3 किलोमीटर अभी बचा है यहाँ से, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर आ गया है ब्रिज, और इधर साथ में चल रही है हमारे नदी। पैसे वसूल हो गए पूरे। ये देखिए, ये कह रहा था मैं आएगा, जब बरसात होती है तो ये ना जी वाटरफॉल बन जाता है, जिसके हम नीचे से गुजर रहे हैं। तो इन्होंने रास्ते को पानी से बचाने के लिए ऊपर छत डाल रखी है। ये देखिए वाटरफॉल जो है ऊपर से, एक वाटरफॉल आपको छोटा अभी चल रहा है वो देख लीजिए, वो दिखाई भी दे जाएगा जैसे हम, ये वाटरफॉल है जो चल रहा है अभी। पर ये इन्होंने सड़क के ऊपर से इसके ऊपर छत बना के इसको नीचे गिरा दिया है। क्या खूबसूरत इंजीनियरिंग है, क्या खूबसूरत कुदरत है, कुदरत और इंजीनियरिंग का मेल था ये। तो इसलिए मैं कह रहा था खास चीज आएगी, वो आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ गई है, अब कार में शायद ना लगे, लेकिन बहुत ही जैसे ना सीधी चढ़ाई होती है, कार जा रही है सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर पे। तो मैं ज्यादा जोर भी नहीं लगवा रहा इस कार का, क्योंकि पहले ही काफी समस्याएं आ चुकी हैं। तो ये 200 मीटर पे आ गया है हमारा, जहाँ लुकआउट है वहां पे रुकते हैं, बच्चों को कुछ खाने को देते हैं। इसे डेथ कॉर्नर भी कहते हैं, पता नहीं क्यों डेथ कॉर्नर कहते हैं, तो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ, लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ा था। लो जी हम रुक गए हैं वियाडक्ट, और टीरा वियाडक्ट जो लुकआउट है, जो कि ग्रेमाउस से क्राइस्टचर्च के रास्ते में आती है, जहाँ किया पक्षी भी कभी कभी दिखाई दे जाते हैं, तो वहाँ पे हम रुक चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, वो बिल्कुल सामने का। आ जाओ भाई किया, अगर कोई हो तुम तो यहाँ पे जरूर आओ, हम आपसे मिलने आए हैं। तो कह दिया है किया को, ये देखिए उस रोड से हम आए हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है। वो दोनों ट्रक जो हैं वहाँ पे रोड पे अब आपको दिखाई दे जाएंगे, यही जो रोड है ना, इन्हीं ट्रक को हम पास करके आए, ये काफ़ी स्लो आ रहे हैं, तो हम पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 2-4 मिनट हो गए हैं हमें पहुँचे हुए। तो क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना, कैमरे से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत तेज़ नहीं चल सकते ये, तो इसीलिए इन्होंने हमको वहां से पास होने दिया, और हमने पास कर लिया। इस साइड आप देखेंगे बादल हैं जो ऊपर की चोटियों को छू रहे हैं, बर्फ कोई हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी थोड़ी बर्फ वहां भी आपको दिखाई दे जाएगी, और वहां तो सामने तो बर्फ है उस यहाँ पे है ही, इस साइड भी बर्फ है, काफी ठंडा है यहाँ पे। जो जैसे वो हम बच्चों को गर्म कपड़े डाल रही है, ताकि बच्चे जो है ना अंदर बाहर निकलें तो पूरी तरह नाइस एंड वार्म हो। तो मैं भी यहाँ पे ना बड़ा कैमरा निकाल लेता हूँ, और कुछ अच्छी अच्छी फोटो निकालते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सी लोकेशन है। ये रोड जो है बहुत एडवेंचरस होने वाला है, ये बहुत ही सीनिक होने वाला है। तो ये देखिए इस साइड जो दूर तक जो है घुमावदार रोड दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर है ये रोड भी। तो उस साइड जो है आसमान, उस साइड आसमान साफ दिखाई दे रहा है। तो एक और गाड़ी आ गई है, किया जो है ना, ये एल्पाइन पैरट है, सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, और यहाँ जो जहाँ पे ऊंचे पहाड़ आते हैं वहीं पे पाया जाता है। कहते हैं कि किया को फीड मत करना, क्योंकि वो नेचुरल होते हैं, अपना खाना खुद ढूंढते हैं, जब हम फीड करते हैं तो उनको इंसानों के खाने की आदत पड़ जाती है। बच्चे भी देखिए बाहर आ गए हैं पूरा पैक होके। तो इनकी पूरी मस्ती हो रही है जी यहाँ पे। तो ये
अब थोड़ा चल के आगे आ गया हूँ, ये देखिए वही लुकआउट। फिर थोड़ा यहाँ से और भी नदी क्लियर दिखती है, और एक और ट्रक वाले भाई साहब धीरे धीरे अपने ट्रक को ऊपर की ओर लेकर आ रहे हैं। 10-12 मिनट हो गए हैं यहाँ पे वेट करते हुए, लेकिन किया जी ने हमें दर्शन नहीं दिए। आज लगता है किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही किया को देखने के लिए। तो कोई बात नहीं, आगे कहीं ही रुकेंगे अगर किया पक्षी दिख गया तो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़ना तो है ही। बच्चों को मम्मी ने दे दी है चिप्स, सॉक्स वगैरह डाल दिए हैं, जैकेट उतार दिए हैं ताकि वो कंफर्टेबली फिर से बैठ जाएं। तो ये एरिया है ना, यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो काफी आइस यहाँ पे रोड पे भी जम जाती है, तो इस एरिया में स्नो पड़ जाती है। इस साल अभी तक तो पड़ी नहीं, लेकिन आगे आसार हैं क्योंकि यहाँ पे स्की एरियाज भी हैं। ये देखिए ये लैंडस्केप बिल्कुल ये लगा गई है ना, पीछे से ट्री ही ट्री हैं। पता नहीं किस प्रकार के ये ट्री हैं, लेकिन सभी एक ही तरह के ये ट्री हैं। देखिए रास्ते पे स्नो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम स्नो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है यहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो चलो जी, ये आ गया है आर्थर पास। इस एरिया का नाम आर्थर ARTHUR पास है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई जरूरत का सामान चाहिए तो मिल जाएगा। छोटा सा विलेज है ये। तो ये देखिए यहाँ पे लेडीज चल रही हैं, ये भी वाइट है बिल्कुल एरिया। आर्थर पास जो है ना, समुंदर तल से 2425 फीट की ऊंचाई पर स्थित छोटा सा गांव है, और इस गांव में आपको ज़रूरत का हर सामान, अगर आप जा रहे हैं क्राइस्टचर्च कुछ भी चाहिए तो आप यहां से खरीद सकते हैं। तो आर्थर पास से गुजरे हुए हमें हो चुके हैं 20-25 मिनट। अब आपको लैंडस्केप देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो चुकी है। दूर पहाड़ों पे बर्फ अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो नीचे की लैंड है प्लेन है यहाँ पे पास में, और बिल्कुल जो घास है ड्राई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लैंडस्केप जो है स्पेशली साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड में थोड़े थोड़े समय के बाद ही चेंज होती रहती है। लो जी, एक और यहाँ पे रुके हैं और हमें दिखाई दे गए, जैस ने बताया कि इधर देखो सामने बर्फ के पहाड़। ओए होए होए, क्या खूबसूरत नजारा है, क्या खूबसूरत वादियां हैं। तो हम फिर रुक गए हैं, अभी 20-25 मिनट ही हुए थे चले को, और हम रुक गए हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं गाड़ी के सामने, और बाहर निकल के भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए जी, मैं आ गया हूँ बाहर। व्यू देखिए आप कितना सुंदर है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ओए होए होए, इस साइड का व्यू तो खूबसूरत है ही है। इस साइड भी जो पहाड़ों पर बर्फ है, और यहाँ भी बर्फ है काफ़ी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी खड़ी, एक और आदमी था यहाँ पे, तो वो दरिया चल रहा है। इस साल पानी भी कम है, क्योंकि स्नो अगर पड़ेगी तभी तो पानी आएगा। ये दरिया है तो साथ साथ में तो पानी है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू हमें देखने को मिल गया। ये देखिए कितना ही नज़ारे वाला व्यू है। ये पानी बिल्कुल साफ सुथरा ग्लेशियर वाला वाटर है, क्लियर, आप पी भी सकते हैं इसको, मिनरल वाटर आप कह सकते हैं। और ये आ रहा है उस सामने बर्फ के पहाड़ों से होकर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको दिखाएं न्यूजीलैंड के जो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस और सबसे सुंदर जो रास्ता था, जो कि आर्थर पास के थ्रू होके गुजरता था, वो दिखाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो आई पसंद आई होगी। अब अलविदा कहने का समय आता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।